हाय गाइस, आज हम बात करेंगे MH05 की, द अप्रोच दैट यू गाइस नीड टू फॉलो दिस पर्टिकुलर पेपर एंड हाउ यू गोइंग टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ताकि आप सारे के सारे क्वेश्चंस को ऑन टिक कर लो. अलोंग विद दैट यू आर गोइंग टू क्लियर ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर, दैट इज इलेक्ट्रिक क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी. नाउ व्हाट डज मीन बाय दिस पर्टिकुलर पेपर, उसको कैसे करना है? जब इलेक्ट्रिक क्रिटिसिज्म की बात की जाती है तो वी डू टॉक अबाउट अ लिटरेचर वर्क. यस, अ लिटरेचर वर्क जिसको आप पूरी तरह पढ़ने के बाद एक ओपिनियन फ्रेम करते हो, जिसमें आप स्पोर्ट एविडेंस की बात करते हो. यस, टू टॉक अबाउट द रिलेटिंग थीम, स्टाइल, सेटिंग अप हिस्ट्री, पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट एंड द व्यू पॉइंट ऑफ द राइटर. डेफिनेटली ये सारी चीजें आती हैं जब हम इलेक्ट्रिक क्रिटिसिज्म की बात करते हैं. लिटरेचर क्रिटिसिज्म अपने आप में एक अलग थ्योरी है जिसको कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप बोलते हो क्रिटिसिज्म किसी भी चीज को पढ़ के उसको एनालाइज करना, देन कंपेयर करना, देन कंट्रास्ट करना बाकी रिसर्च वर्क के साथ और अपनी रीडिंग को और ज्यादा बेटर बनाना. मतलब इट्स ऑल अबाउट मेकिंग अ बेटर सेंस ऑफ वर्क फ्रॉम योर जजमेंट ऑफ द लिटरेचर दैट वॉज अवेलेबल इन द मार्केट रिगार्डिंग द सेम टेक्स्ट. ऑब्वियसली तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक ही टेक्स्ट की अलग अलग लिटरेचर आपने पढ़ना है. वे यू स्टडी द आइडियाज एंड डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो कि डिटरमाइन करता है कि इंडिविजुअल लेवल ऑफ वेदर द लिटरेरी वर्क इज वर्थ रीडिंग और नॉट. इस सबको हम बोलते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म. सो यस, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर द स्टूडेंट्स जो एम ए इंग्लिश का एग्जाम देने वाले हैं, जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करते हैं. यस, देयर आर दोस ऑफ स्टूडेंट जो काफी चीजों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं होती. जब आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए फंक्शनल लिटरेरी क्रिटिसिज्म. ये फंक्शनल लिटरेरी क्रिटिसिज्म कॉन्सेप्ट देने वाला और कोई नहीं था. बेसिकली यहाँ पे हाईलाइट किया गया हमें अलग अलग चीजों, जिसमें सबसे पहला फंक्शन आता है अंडरस्टैंडिंग. सो व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग? नॉर्मली अगर मैं बोलूँ फंक्शन में पहला फंक्शन था अंडरस्टैंडिंग. आर्नोल्ड, जिस आई एम टॉकिंग मैथ्यू आर्नोल्ड, इसी बंदे ने इस थ्योरी को दिया जो बोलते हैं फंक्शनल लिटरेरी क्रिटिसिज्म. मैथ्यू आर्नोल्ड ने जब ये थ्योरी दी ना तो इसने पोएट्री को इन्वॉल्व किया. इसने हम बोला कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म हाईलाइट करती है किसी बेसिक इन्फ्लुएंस लिटरेरी वर्क को जो कि बिल्ड करता है एक प्रैक्टिस के साथ. ऑनेस्टली एक प्रैक्टिस लगातार चीज को करना, एक्सप्लोर करना, ऑथर के पर्पस ऑफ राइटिंग को डील करना, जो कि हेल्प करता है ऑथर को डिटरमाइन करने की कि चीजें कैसे क्लियर करती, उसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, कैसे क्लियर कर सकते हैं. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये कॉन्सेप्ट आफ्टर दिस हिस्ट्री वी गाइस नीड टू क्लियर टू द अदर पार्ट दैट इज फिलोसफी. सर आर्नोल्ड ने यहाँ मॉरली बात की. मॉरली, मॉरली बीन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द फिलोसफिकल वर्क, जिसमें काफी चीजों हाईलाइट किया है द पोजिशन ऑफ पोएट्री थ्रू द मॉरल फाउंडेशन अलॉन्ग विद द आइडिया एंड द परस्पेक्टिव ऑफ कॉम्युनिकेट टू रीडर्स. यस, द आइडिया एंड परस्पेक्टिव दैट नीड टू बी कॉम्युनिकेट टू द रीडर्स, जो एक थॉट प्रोसेस को डिफाइन करते हैं, बोलते हैं काउंटर प्रोवाइड क्या होगा, रेबिलीज कैसे क्लियर करेंगे. तो फर्स्ट हाफ वी डू कम टू द अंडरस्टैंडिंग, देन द फिलोसफी. So after this philosophy we need to come to the discovery. Discovery क्या होती है? Discovery क्या है, उसके concept क्या है, कैसे समझते हैं, काफी सारी चीजें एक साथ जोड़नी जरूरी है. आप बोलते हैं यहाँ पे ना पोलिटिकल हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश की है. किसी भी असर या किसी भी डिवाइस को पढ़ते हो हमें उसके बेसिक मेटाफर्स, सिम्बलीज, सोशल नॉर्म्स या बोलूँ सोसाइटिकल इंटरप्रिटेशन को क्लियर करना जरूरी है कि क्या चलता आया, हाउ वी लर्न फ्रॉम द सोसाइटी एंड व्हाट वी गोइंग टू कम अप इन अ लिटरेरी वर्क. That is the history. And the last, develops writing skills. तीन चीजें बात ना किसी भी राइटर के लिए जरूरी है कि अपनी राइटिंग स्किल्स को और ज्यादा एनहेंस करें. यहाँ से वो आइडियाज ग्रैप करके उसको और ज्यादा अपने स्टूडेंट्स में डिस्कवर करता है नई आइडियाज को. दैट डेवलप्स द फिलोसफी और द पोजिशन दैट हाउ द वन इंडिविजुअल गोइंग टू वर्क इन अ डिफरेंट सिचुएशन. दैट इज द डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स. तो फंक्शंस बात की गई आपसे फंक्शनल लिटरेरी क्रिटिसिज्म या फंक्शन दैट वाज बीन प्रपोन्ड बाय मैथ्यू आर्नोल्ड अबाउट लिटरेरी क्रिटिसिज्म. तो आप शुरू करेंगे सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग, नंबर टू दैट्स फिलोसफी, नंबर थ्री हिस्ट्री एंड द लास्ट वन डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स. तो ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे से होना चाहिए जब आप बोलते ना कि हम क्या अप्रोच रखें कि MH05 को कैसे तैयार करना है स्पेशली फॉर दिस एग्जाम जो अभी आने वाले हैं. इसकी तैयारी करते हो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना. तो वीडियो छोटी नहीं होने वाली आज की क्लास सीरीज. अगर आप लोग कोई और काम कर रहे हो तो फिलहाल आप या तो काम छोड़ दो या क्लास को रोक दो. उस टाइम पे क्लास पूरी देखना जब आप पूरा टाइम दे पाओ. एंड प्लीज हैव एन पेन एंड नोटबुक अलॉन्ग विद यू सो दैट यू कैन राइट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. क्या सीरीज में क्लास फ्री करके बैठा हूँ कि बच्चों को पूरा पूरा आज एक टॉपिक बताऊंगा जिस टॉपिक को पूरा क्लियर करना उनके लिए जरूरी है. अब शुरू करते हैं मेजर पार्ट के ऊपर. सब कुछ चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए. दैट इज द 20th सेंचुरी डेवलपमेंट. क्या क्या आना चाहिए सर हमें से? इसमें हमें मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में बताना चाहिए. मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ कुछ छोटी छोटी चीजों में.
मार्क्सिस्ट लिटरल क्रिटिज्म क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, छोटे नाम से भी डिटेल में बताऊंगा आपको। आपने कहा मार्क्स, कार्ल मार्क्स की बात करें, एक फिलोसफर था, बहुत बड़ा फिलोसफर जिसको आप सबने पढ़ा होगा, इसने वल्गर मार्क्सिज्म की बात की। सो व्हाट इज वल्गर मार्क्सिज्म, क्या होता है? अच्छा, वल्गर मार्क्सिज्म को समझना जरूरी है हमारे लिए, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू अंडरस्टैंड वल्गर मार्क्सिज्म क्या होता है। ये आपकी सोसाइटी से, आप जिस सोसाइटी को आप बिलोंग करते हो उस सोसाइटी से आइडियोलॉजी, एक फ्रेमवर्क आपका डेवलप होता है जिसको आप बोलते हो वर्ल्ड मार्क्सिज्म, पार्ट ऑफ न्यू लिटरेरी क्रिटिसिज्म। कि आजकल क्या देखते हो आप, नॉर्मली हम वैसा सोचते हैं, हम वैसा लिखते हैं, हम वैसा टेक्स्ट क्रिएट करते हैं जिस सोसाइटी को हम बिलोंग करते हैं। इफ यू बिलोंग टू अ पुअर क्लास, डेफिनेटली आपकी राइटिंग में दिखेगा। इफ यू बिलोंग टू अ रिच क्लास, आपकी राइटिंग रिफ्लेक्ट करेगी। आपने क्या इसका एग्जाम्पल देखते हैं सर, विलियम शेक्सपियर, राजा महाराजाओं की कहानी लिखता है वो, नॉर्मल लोग की कहानी लिखता है। नॉर्मल लोग की कहानी पढ़नी है, मुंडरा जाना पढ़ लो, चेतन भगत पढ़ लो, सीरियसली आपको बहुत अप्रोचिंग लगेगा यार, ये तो आजकल राइटर सीरियसली लिखते हैं, इसको पढ़ लें। अनिता देसाई को पढ़ो यार, आर के नारायण को पढ़ो, आपको पता लगेगा। सर आप फूले को पढ़ो, यस आप डॉक्टर फूले, आप सर मैंने फूले को पढ़ा तो सर कुछ अलग राइटिंग आती, वो अलग राइटिंग है, उसका बैकग्राउंड है। आप बोलते हो सर आज के लिटरेचर में हम देखते हैं एब्यूसिव लैंग्वेज क्यों, इट्स वेरी कॉमन नाउ डेज, इट्स अ पार्ट ऑफ वल्गर मार्क्सिस्ट लिटरेचर। सो वल्गर क्यों, क्योंकि सर गाली करो उसको हम कैसे बोलेंगे, समबडी इज यूजिंग द एब्यूसिव वर्ड इन लिटरेचर। अरे वो उनकी सोसाइटी है, उसको डील कर रहे हो, दे वेरी रियलिज्म सीरियसली, व्हाइल द राइटिंग द लिटरेचर वो रियलिस्टिक है। क्यों आप लोग नहीं देखते, आप सीरीज देखते हो यार, वो आजकल क्या आता है नेटफ्लिक्स पे मूवीज आ रही होती हैं, ठीक है आपको तो शोज आ रहे होते हैं, हम उनको देखते हैं, एंड दे आर यूजिंग द अब्यूज लैंग्वेज वेरी फ्रीक्वेंट वे, फ्रीक्वेंट वे, एंड नोबडी हैव एनी डाउट्स सीरीज, ना ही कोई इशू है किसी को, ठीक है यार नॉर्मल। तो सेम लिटरेचर भी वही है, उसी लिटरेचर के बेस पे ही वो आप बोलते हो जो ये रील्स बनती हैं, या जो मूवीज बन रही हैं जो नेटफ्लिक्स पे आ रही हैं, या बोलते हो सीरीज चल रही है जो आ रही है, ये सब उसी बेस्ड है। तो व्हेन समबडी इज टॉकिंग अबाउट द वल्गर मार्क्सिज्म, इट्स ऑल अबाउट द थिंकिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, दैट हाउ द सोसाइटी वर्क्स, इसको सुपर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। यस आप आइडियोलॉजी बोल सकते हो, आप सुपर स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, वो जिस क्लास से जिस बेस से बना है, जो बेसिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हो, लैंड लेबर कैपिटल इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट अच्छे जानते हैं जिस बेस, तो आपकी बेस आपको डिफाइन करते हैं आप क्या करो, इसी को आप आइडियोलॉजी बोलो। रैशनल रिथोलिक क्रिटिसिज्म में आइडियोलॉजी एक अलग चीज है जो डिफाइन करती है, थॉट प्रोसेस को लेके आती, उसको डिफाइन करती। तो ये तो मार्क्सिस्ट लिटरेचर में हमने वल्गर क्रिटिसिज्म की बात की। देन वी जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। अब ये बिगिनिंग ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या हमें क्लियर करना चाहिए, स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है उसको क्लियर करना जरूरी, मतलब स्ट्रक्चरलिज्म की आइडियोलॉजी, स्ट्रक्चरलिज्म कैसे काम करता है, किस तरह हम एक बेसिक को क्लियर करते हैं, व्हाई द स्ट्रक्चरिज्म रियली वर्क्स फॉर अस। हम सबके काफी सारी चीजें दिमाग में आती है, क्या स्ट्रक्चरिज्म क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, कैसे क्लियर कर सकते हैं, हाउ आई एम गोइंग टू क्लियर द स्ट्रक्चरिज्म। लैंग्वेज ऑफ साइन, सी दिस लैंग्वेज ऑफ साइन, अब होता सिमेंटिक्स में लैंग्वेज को करना, लैंग्वेज सिस्टम, दैट इज स्ट्रक्चरिज्म। सर इज इट पॉसिबल दैट वी डू हैव अ फ्यूचर ऑन स्ट्रक्चरिज्म इन दिस पर्टिकुलर पेपर, यस दिस चांसेस, जो आपको ऑन टिप होना चाहिए। और जब आप बोल रहे हो कि इसको अप्रोच कैसे करना है, तो जैसे मैं क्लास बना रहा हूँ पूरी पूरी, आपकी अप्रोच पूरी पूरी यही होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं करोगे, जस्ट नीड टू फॉलो दिस। मिकेल बक्तन, आप मिकेल बक्तन की बात करो तो सर इसको बहुत बड़ा मेजर लिटरेरी वर्क थ्योरीज में बोलता हूँ, 20th सेंचुरी का बहुत बड़ा रोल है, चीजों को डिफाइन करना, चीजों को हाईलाइट करना, कहीं ना कहीं अलग थ्योरीज को लेकर आया। इससे काफी सारी चीज, किसने राइटिंग की बात की, इससे राइटिंग में क्या क्या होना चाहिए, कैसे करते हैं इसको, हम यूनिटी को डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट्स में, एक डायरेक्ट अप्रोच जिसको अथॉरिटिव नरेटिव कहते हैं। अथॉरिटिव नरेटिव मतलब एक आदमी किस तरह अथॉरिटी के साथ चीजों को डील करता है, वो लिख रहा है, चीज को डिफाइन कर रहा है अकॉर्डिंग टू हिज ओन सेल्फ, अपनी मेंटालिटी के हिसाब से उस चीज को बदल रहा है, दैट इज डायरेक्ट अथॉरिटिव लीडरशिप। देन स्टाइलाइजेशन, कहीं ना कहीं स्टाइल, लैंग्वेज के स्टाइल को चेंज करना, एवरीडे स्पीच में काम करेगा, डायरीज अप्रोच करेगा, ऑटोबायोग्राफी राइटिंग अलग करेगा, जहां टाइप्स ऑफ आर्टिकल स्पीच की बात करेगा, मॉरल, फिलोसफिकल और साइंटिफिक अलग अलग होती। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, इंडिविजुअल स्पीच ऑफ कैरेक्टर, हर कैरेक्टर की इंडिविजुअल स्पीच होती है, जिसको डिफाइन किया उसने यहाँ पर, चीजों को क्लियर भी किया। तो हमारे लिए सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करते हैं और कौन कौन सी चीजें हमारे फेवर में काम करती हैं। यस दिस इज समहाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। फॉलो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डी कंस्ट्रक्शन, दिस इज थ्योरी ऑफ डेरिडा।
डेरिडा डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी। अब वो तो डेरिडा डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हाईलाइट करता है बेसिक्स को। तो डेरिडा ने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर कर दिया, उसने डीकंस्ट्रक्शन से इट्स अदर पार्ट ऑफ अ कॉइन, द अदर साइड ऑफ अ कॉइन, नॉट पार्ट, द अदर साइड ऑफ कॉइन। हर स्टेटमेंट का एक दूसरा मीनिंग होता है जो दूसरे पर्सपेक्टिव से समझाया जाता है, एंड वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड इट कि क्या है, कैसे क्लियर करेंगे, वॉल्यूम के कितने पार्ट होते हैं, ये चीजों को हाईलाइट करता है। तो आपको ऑन टिप होना चाहिए। डीकॉलोनाइजिंग या डीकंस्ट्रक्शन में बोलूँ तो डीकंस्ट्रक्शन में क्वेश्चन कंफर्म आता है पेपर में, उसको प्लीज ऑन टिप कर लेना, फिर बाद में बोलना सर ये बताया नहीं, ये आया था, ये मैं बताऊँ ये आएगा कंफर्म। देन मिचेल फॉलकॉट की थ्योरी है द आइडिया ऑफ सेक्सुअलिटी, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, उसके बेसिक वॉल्यूम्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड, फ्रेंच हिस्टोरियंस, मिचेल फॉलकॉट है, बिल्कुल उसने डिफाइन किया, कई चीजों को हाईलाइट किया। या सेकेंड सेक्स की बात, तो वुमेन दैट इज बी नोन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर, मैंने नहीं बोला भाई, ये ब्रिटिश सोसाइटी बोलती थी टिल 18th to 19th century, वुमेन को एज एन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उन्होंने, खाली उन चीजों लेके चलता है, ये आपको ऑन्टिमोलॉजी। एंड देन देर आर द सर्टन शॉर्ट टॉपिक्स जो पेपर में कन्फर्म मिलेंगे, दो आपको कन्फर्म मिलेंगे, इट्स इंडियन क्लासिकल एस्थेटिक्स, इंडियन क्लासिकल एस्थेटिक्स, रसा, ध्वनि, स्वाटा, अलंकारा, श्रुति, इनमें 200%, 200% आपके एग्जाम में मिलेंगे, जो आप लोगों को बताऊं जी सर, आप लोग रसा, ध्वनि, स्वाटा, अलंकारा, श्रुति एंड औचित्य, इनको ऑन टिप कर लेना, क्योंकि ये जब ऑन टिप होता है हम चीजों को बड़ा आराम से क्लियर कर पाते। तो अभी तक मैंने जो बताया ना सारा का सारा, ये है सिर्फ फर्स्ट ब्लॉक, दिस इज ऑल जस्ट अ फर्स्ट ब्लॉक जो आपको ऑन टिप होना चाहिए। अब उस फर्स्ट ब्लॉक में सर मैंने नाना करते 20 नंबर का पेपर आपको बता दिया, जिसमें मैंने आपको कंफर्म कर दिया 20 नंबर के दो टॉपिक्स आएंगे ही आएंगे, जो लास्ट होल है, ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होने वाला। आपने कहा ये हमें ऑन टिप होना चाहिए। तो वेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर MEG 05 इलेक्ट्रिक क्रिटिसिज्म थ्योरी, यू गाइज नीड टू स्टार्ट फ्रॉम ब्लॉक वन, दैट इज नोन एज टू बी इंट्रोडक्शन फॉर द स्टूडेंट्स। नाउ हाउ दिस इंट्रोडक्शन वर्क फॉर यू, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चाहिए, ये सब दिमाग में रखना, क्योंकि चीजें काम करती हैं जब हम काम करते हैं क्या। नेक्स्ट वन, दैट इज द ब्लॉक नंबर टू, रेलिवेंस ऑफ क्लासिकल क्रिटिसिज्म, व्हाट इज रेलिवेंस ऑफ क्लासिकल क्रिटिसिज्म, क्या पॉइंट्स हैं, कैसे क्लियर करते हैं और हम कैसे परफेक्शन में सर्व कर सकते चीजों। दिस इज रियल इंपॉर्टेंट, समबडी सेज दैट क्लासिकल क्रिटिज्म एंड हाउ द क्लासिकल क्रिटिज्म वर्क्स, व्हाट आर द बेसिक नॉर्म्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, चीजों कैसे क्लियर करते हैं। इसमें दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, यस आई रिपीट, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, इसमें प्लेटो ऑन इमिटेशन आर्ट, आई रिपीट, प्लेटो ऑन इमिटेशन आर्ट, इसको अच्छे से कर लेना, ये कन्फर्म पेपर में आएगा, जिसको आप इमिटेशन बोलो, आप मिमेसिस बोलो, मिमिक्री बोलो, या आप बोलो सर किसी चीज को कॉपी करना, को डिफाइन किया प्लेटो की थ्योरी डिफरेंट या अलग है किससे, एरिस्टोटल से, यहाँ आर्ट ऑफ इमिटेशन को बड़े अच्छे से क्लियर करना। रिपब्लिक, प्लेटोज वर्क्स ऑन रिपब्लिक, ये क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, जो हमें पता होना चाहिए क्या है, कैसे काम करेंगे, करने का तरीका क्या होगा और बेसिक फॉलोअप क्या होगा। इसमें इमिटेशन रिलेटेड थ्योरी है जिसको लेके कई प्रॉब्लम्स हैं। एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट इमिटेशन, कैथारसिस क्या है उसको डिफाइन किया। अब कैथारसिस पॉइंट ऑफ व्यू प्लेटो का, अगर एरिस्टोटल का पॉइंट ऑफ व्यू तो हेमरेशिया, जिसको आप ट्रेजिक फ्लो भी बोलते हो, आप लोग कैथारसिस को प्योरोगेशन भी होते हैं, प्योरिफिकेशन भी बोलते हैं, क्लैरिफिकेशन भी बोलते हैं, यस दिस ऑल बीन कम अंडर द डिफरेंट हेड्स, जिसको समझना, उसके ऊपर काम करना एंड देन गो विद द स्टेप स्टडी, स्टेप बाय स्टेप चीजों कैसे क्लियर करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में आते हैं, हमें चीजों को समझना जरूरी है कि हम कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होगा, क्या बेसिक प्रॉब्लम होंगे और किस तरह परफेक्शन को सर्व कर सकते हैं। That how can we serve the perfection? This is something very, very important. Guys. Job on Timonji. Those who are having the notes series, because notes are meant to sab kuch hoga, sab mil raha hoga. And those who want to join the crash course classes, already start ho chuke hain. Aap join kar sakte ho. Exam se 10 din pehle tak join kar sakte ho. 10 din pehle. 10 din. That is more than enough for me. Series 10 days. Lekin agar wo course ho to fir aapke liye problem hai. तो गाइस 10 दिन पहले तक आप ज्वाइन कर सकते हो क्रैश कोर्स, अगर लगे कि यार ये पेपर नहीं हो रहा, मुझसे दिक्कत आ रही है, then join the class. Crash course is being started for MEG 1 to MEG 19. सारे पेपर क्लासेस चल रही हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। Jump to next part. सर एरिस्टोटल ट्रेजेडी क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी को बहुत अच्छे से क्लियर करना, कन्फर्म उसका क्वेश्चन आता है जो आप लोगों को आना चाहिए। यहाँ आर्ग्यूमेंट है बिटवीन एरिस्टोटल एंड प्लेटो में डिफ्रेंशिएट दिया गया है, उसको आपको ऑन टिप करना है, वो आपको काम करेगा, हेल्प भी करेगा चीज समझाने में।
एक क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द सिक्स एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। सर एरिस्टोटल की ट्रेजेडी के कुछ एलिमेंट्स हैं, सिक्स एलिमेंट जो आपको क्लियर चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे प्लॉट की। अब आपने कहा प्लॉट, यस वी नीड टू क्लियर प्लॉट। बेसिकली किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए प्लॉट का होना बहुत जरूरी है, बिना प्लॉट के काम नहीं होता। अब प्लॉट में सेकेंड पार्ट है द कैरेक्टर। प्लॉट का सबसे डोमिनेंट पार्ट ही कैरेक्टर होता है, तो कैरेक्टर हमें क्लियर होना चाहिए। वी नीड टू नीड द टू की कैरेक्टर क्या है, उसके पॉइंट्स क्या हैं, उसके अंदर थॉट, कैरेक्टर थॉट डिक्शन लैंग्वेज, दिस इज समथिंग वेरी वेरी मतलब क्या है लैंग्वेज, कैसे फॉलो कर रहे हैं, करने का तरीका क्या होगा, चीजें कैसे काम करती है, वो भी हमारे फेवर में, तो आपको आना चाहिए। एंड देन द सॉन्ग, दैट्स मेलेडी। एवरी ड्रामा और प्ले मस्ट हैव मेलेडी, चीज को क्लियर करना है। एंड द लास्ट ऑफ स्पेक्टिकल्स, सो जो बैकग्राउंड सीनरी आपको दिखाई जाती है, जो आपको पूरा इमेज क्लियर की जाती है, उसको स्पेक्टिकल्स कहते हैं। तो ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए, हम कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या है, फॉलोअप क्या है, चीजों कैसे लेके चलते हैं, ये सारी चीजें आनी चाहिए। ये तो गया एरिस्टोटल का। देन आप बोलते हो व्हाई द रीजन, आई रिपीट, व्हाई प्लेटो हॉस्टाइल टुवर्ड्स आर्ट। तो व्हाट आर द रीजंस ऑफ प्लेटो हॉस्टाइलिटी टुवर्ड्स आर्ट, ये क्वेश्चन है। काफी चीजें दिमाग में आती है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि ना एक डिफरेंस आता है प्लेटो और एरिस्टोटल के व्यू पॉइंट में, वही पूरा आंसर लिख देंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, आप चीजों के लिए करोगे। आपने कहा सर शॉर्ट नोट्स में अगर कुछ करना हो तो वही प्योरोगेशन कर लो। व्हाट इज प्योरोगेशन, कैथारसिस, अलग नहीं है, वही है, कैथारसिस को ही प्योरोगेशन कहते हैं। हेमरेशिया कह लो क्या सर, इसे ही कहते हैं, इसे ट्रेजिक फ्लो भी कहते हैं। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा ब्लॉक टू। ब्लॉक वन मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। नाउ टाइम टू कम टू द नेक्स्ट सेशन, दैट इज ब्लॉक नंबर थ्री, रोमांटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म। क्या है रोमांटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसके पॉइंट क्या है, कैसे समझेंगे, हमारे लिए कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो हमें ऑन टिप पहुंची। जब रोमांटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म याद करता हूँ तो मैं विलियम वर्ड्सवर्थ, यस विलियम वर्ड्सवर्थ के बायोग्राफी लिटरेचर की बात करता हूँ सर, जिसमें खाली विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं था कि वो लिरिकल बैलेट को लेकर आता था, साथ में बायोग्राफी वर्क की बात करता हूँ तो एस टी कॉलेज आया था। तो दो लोग, दोनों बहुत बचपन के दोस्त हैं, दोनों क्लियर करने कॉन्सेप्ट को, उनको डिफाइन किया। या कहीं ना कहीं डिक्शन की बात करते हैं, पोएट्री डिक्शन, जिसको लेके बहुत बड़ी डिस्कशन की विलियम वर्ड्सवर्थ ने इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, जिसको सपोर्ट भी किया उसके भाई जो दोस्त था, सॉरी टेलर, सैमुअल टेलर कॉलरिज, उसने हाईलाइट किया, लेकिन बाद में उसको रिग्रेट हुआ यार इवन गलत कर दिया। दोनों ही लैंग्वेज एक नहीं हो सकती, पोएट्री और प्रोज की राइटिंग एक नहीं हो सकती, बिल्कुल अलग ही। तो इसने उसने बायोग्राफी लिटरेरी अवार्ड क्रिएट किया। बायोग्राफी लिटरेरी एक्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो इसमें इमेजिनेशन एंड फैंसी, यस इमेजिनेशन फैंसी को डील किया उसने। और इमेजिनेशन फैंसी में अगर मैं बोलूँ तो दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन। अभी प्राइमरी क्या और सेकेंडरी क्या, तो मैं जाऊँगा आपके स्ट्रक्चरलिज्म पे, साइन सिग्नल सिग्निफाइड सिग्निफायर याद रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फैंसी, फैंसी को समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, किन चीज़ों को हाईलाइट करता है, कॉलेज व्यू ऑन पॉम एंड पॉइंट, उसका व्यू पॉइंट क्या है, चीज़ें कैसे क्लियर करता है, डिफाइन करता है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड दिस वन एसे, दैट एसे वॉज बाय शेले, आपने बोला डिफेंस ऑफ पोएट्री। अब डिफेंस ऑफ पोएट्री आपको ऑन टिप होना चाहिए, तो भाई ये वो पोइट है जो डिफेंस करता है पोएट्री का, उस कॉन्सेप्ट को उसने हाईलाइट किया, पूरी तरह क्लियर करा, और हमारे लिए जाना जरूरी है दैट हाउ गोइंग टू सर्व अस। पॉइंट्स को क्लियर करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको वर्कआउट करना, उन पर काम करना। एंड दोज हू स्टडिंग वेरी हार्ड टू गेट दीज पेपर क्लियर विद 80+, गाइस देयर इज नो शॉर्टकट मंत्र, यू गाइस नीड टू डू ऑल द टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूँ, इनको तसली से पढ़ना है, क्लियर करना है। नहीं आएगा तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आएंगे, कमेंट करेंगे कि सर ये चीज़ नहीं आ रही, इसको कैसे क्लियर करें, कौन से पॉइंट्स हमें ऑन टिप पहुंचे, सब मैं बताऊंगा। तो उसकी आप टेंशन मत लो, सब मैं बताऊंगा, आप उसको फॉलोअप कर सकते हो। जंप टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज ब्लॉक नंबर फोर। आई होप ब्लॉक थ्री हो चुके हैं, फर्स्ट ब्लॉक सब में आई होप लिख लिया, क्वेश्चन मैंने बोले थे। सेकेंड ब्लॉक मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या करना है, दैट इज द क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म। एंड द थर्ड वॉज रोमेंटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब आते हैं ब्लॉक नंबर फोर, दैट इज न्यू क्रिटिसिज्म। यार न्यू क्रिटिसिज्म में मुझे क्या क्या पढ़ना है, मतलब आई नीड टू रीड न्यू क्रिटिसिज्म। क्या होता है न्यू क्रिटिसिज्म, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, किसने इंटरप्रेट किया सर, इसको सारी चीजें ऑन टिप आनी चाहिए, मतलब आपके दिमाग में आता है कि कौन लिखने वाला है, चीजें कैसे क्लियर कर रहा है, हमें चीजें कैसे पता होनी चाहिए, और न्यू क्रिटिसिज्म कैसे अलग है दूसरे से। यस तो थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, आपने कहा न्यू क्रिटिसिज्म है क्या चीज, हमारे यहाँ ना वर्क को ध्यान नहीं देता, वर्क को करने वाले में मन, एक आदमी
काम कर रहा है आपके तो सीरियस से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो काम कौन कर रहा है उससे ज्यादा मैटर करता है। तो मूवी आ कोई मूवी आ रही है उसमें हीरो को ना ये मैटर करेगा कि उसकी बिगिनिंग कैसे रहेगी, दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एक अच्छा हीरो, एक नया हीरो, एक फ्रेशर जिसको कोई नहीं जानता, कोई मूवी लेके आ रहा है, आधे लोग तो उसका नाम सुन के जाएंगे कौन है यार, आई डोंट नो वेदर हु इज शी इज नॉट नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन यही अगर कोई परफेक्ट हीरो इन एग्जाम्पल आपके सामने आता है, आई वॉन्ट टेक द नेम, कोई भी हो सकता है, ABC, ठीक है, जो आपको पसंद हो, जो फेमस हो, तो आप उसको देखने जरूर जाओ। न्यू क्रिटिज्म हाईलाइट करता है कि भैया आपको हीरो को नहीं देखना, आपको उसके एक्टिंग को देखना है, यू नीड टू जज दैट पर्सन ऑन बेस ऑफ द एक्टिंग। और यहाँ पे किसी भी राइटर के वर्क को जज करना, तो यहाँ पे कौन कौन इंपॉर्टेंट है, आई रिचर्ड 100% क्वेश्चन हुआ आई रिचर्ड को लेके एग्जाम के लिए, तो पूरी तैयारी करना है भैया आई रिचर्ड हमें आना चाहिए, वी नीड टू नो आई रिचर्ड क्या, व्हाट अकाउंट ऑफ आई रिचर्ड इज द वैल्यू ऑफ पोएट्री, ये क्वेश्चन बनता है जो आपके दिमाग में होना चाहिए। टीएस इलियट, इंडिविजुअल एंड ट्रेडिशनल टैलेंट, यस इंडिविजुअल एंड ट्रेडिशनल टैलेंट दोनों आपको क्लियर होना चाहिए, आपके क्या है, कैसे क्लियर करना है, करने का तरीका क्या होगा, कौन कौन से बेसिस हमारे दिमाग में होना चाहिए, हम कैसे क्लियर करेंगे, व्हाट इज माय ग्रेडिंग ऑफ अ फॉर्म, यस ग्रेडिंग ऑफ फॉर्म, पर्सनैलिटी वर्सेस ट्रेडिशन, चीजों को क्लियर करना, पर्सनैलिटी अलग है ट्रेडिशन अलग चलता आ रहा है, मैंने एग्जाम्पल दे दी किसका है, द रिलेशन बिटवीन द पोएट एंड फॉर्म, यस दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन द पोएट एंड द फॉर्म, जो हमें पता होना चाहिए क्या है, उसके पॉइंट्स क्या हैं, कैसे क्लियर करते हैं, एंड हाउ यू गोइंग टू एड्रेस दिस, मतलब दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको पता होना चाहिए यार ये चीजें हमें आनी चाहिए, एंड हाउ गोइंग टू क्लियर दिस। देन एफ आर लेविस रेलिवेशन एंड मिल्टन, एफ आर लेविस की बात करूँ तो रेवोल्यूशन की बात की, उसने चीजों को क्लियर किया, कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश की, एंड एक क्वेश्चन आता है जॉन क्रॉन रेंसम पे, जॉन क्रॉन रेंसम पे क्वेश्चन आता है, कंफर्म पेपर की तैयारी कर लेना, मान लो सर आपने क्वेश्चन बताया था, वी नॉट एबल टू दिस, ये 100% मिलेगा आपको, ऐसा छी वो दुमान जस्ट क्या था सर इस टर्म को लेके आता न्यू किट, वो यही था। देन डब्ल्यू के विमसेट सर द इंटेंशनल पॉलिसी, इज दिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, द इंटेंशनल पॉलिसी क्या है, इंटेंशनल पॉलिसी काम कैसे करती है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, चीजें कैसे क्लियर करते हो, इसका तो कोर होती है द इफेक्टिव पॉलिसी, जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, दैट आई नीड टू नो क्या है इंटेंशनल पॉलिसी, क्या है इफेक्टिव पॉलिसी, काम कैसे कर रही है, चीजों कैसे क्लियर करो, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए ताकि आप चीजों को बड़े इजिली डील आउट कर। तो ये हो गया ब्लॉक फोर से, एक छोटा टॉपिक बता दिया आपने, आपने बोला प्रैक्टिकल क्रिटिज्म क्या होता है, प्रैक्टिकल क्रिटिज्म कुछ नहीं है, न्यू क्रिटिज्म को ही प्रैक्टिकल क्रिटिज्म कहते हैं। तो व्हेन समबडी सेज व्हाट इज प्रैक्टिकल क्रिटिज्म, इट इज द सेम थिंग दैट द न्यू क्रिटिज्म इज, एंड द न्यू क्रिटिज्म नन अदर देन द प्रैक्टिकल क्रिटिज्म। तो आई होप नाउ इट बीन क्लियर। कम टू ब्लॉक नंबर 5, वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉक ऑफ योर पेपर, दैट इज मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिज्म। मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिज्म, मार्क्स कार्ल मार्क्स मैंने बताया था, ये बोलता था हर आदमी की सोसाइटी डिफाइन करती है कि वो कैसा सोचेगा कैसा लिखेगा, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम सबको पता होना चाहिए कि एक आदमी की सोसाइटी जिस सोसाइटी में रह रहा है उससे पता चलता है कि वो क्या सोचता है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, दिमाग में कैसे रहेगा, सोशल रियलिज्म क्या होता है, व्हाट इज सोशल रियलिज्म, हाउ इट बीन डिफरेंट, व्हाट इज स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चरिज्म क्या है उसको हाईलाइट करेगा, आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजी, आई रिपीट आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट दोनों को क्लियर करना है। आप कहते हो सर इसके कॉन्सेप्ट क्या है कैसे काम करता है, रिप्रोडक्शन द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, इसके दो तीन क्वेश्चन बनते हैं दिमाग में आते हैं बार बार। क्रिटिकल एग्जाम में द रोल ऑफ आइडियोलॉजी, यस इन लिटरेरी प्रोडक्शन फॉलोइंग मार्क्सिस्ट क्रिटिकल थ्योरी, मार्क्सिस्ट जो क्रिटिकल थ्योरी है उसको डिफाइन करना, उसके पॉइंट्स को बताना है। देन जंप टू नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स द मार्क्स व्यूज ऑन द बेस सुपर स्ट्रक्चर रिलेशनशिप, बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर रिलेशनशिप, सर ये आपको पूरा डिफाइन करना है, जो आप डिफाइन करोगे आप चीजों को क्लियर कर पाओगे, आपको पता चलेगा कैसे करना है, करने का तरीका क्या है, वो चीजें कैसे काम करनी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ऑन टिप पहुंची। तो ये हो गया हमारा ब्लॉक नंबर 5, आई होप सबने लिख लिया कि यार ये ब्लॉक 5 है, इसमें ये चीजें जो हमें आनी चाहिए। जंप अप टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज ब्लॉक नंबर 6, लिटरेचर और द लिटरेरी क्रिटिज्म ऑन फेमिनिस्ट, यस दिस इज फीचर्स ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिज्म,
क्या होता है फेमिनिस्ट स्टडीज, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो फेमिनिस्ट थ्योरी को क्लियर कर लेना, ये आपके दिमाग में चाहिए। जैसे हम जेंडर, सेक्स और सेक्स रोल्स को डिफाइन करोगे, टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म को डिफाइन करोगे, जिसमें हमारे पास क्या आता है, सबसे पहला आता है लिबरल फेमिनिज्म। व्हाट इज लिबरल फेमिनिज्म? लिबरल का रेडिकल फेमिनिज्म, फिर कल्चरल फेमिनिज्म, एंड देन आई नीड टू नो सोशलिस्ट फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, लेस्बियन फेमिनिज्म, काफी चीजें हैं, ब्लैक फेमिनिज्म जिसको वुमेनिज्म भी बोलते हैं, ब्लैक फेमिनिज्म और वुमेनिज्म, यूनिफाइंग थीम्स ऑफ फेमिनिज्म, इसकी यूनिफाइंग थीम्स क्या हैं, डिफरेंस इन लाइफ स्पैन एक्सपीरियंसेस। सर लाइफ स्पैन एक्सपीरियंस क्या होता है, उसको कैसे क्लियर करेंगे? द एंड ऑफ पैट्रियार्की, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, एम्पावर्ड वुमेन, यहां से सारी चीजें क्लियर होती है। अब ये स्टार्ट कहां से हुआ? एक्चुअली बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कहां से हम फेमिनिस्ट इलेक्ट्रिकिज्म को क्लियर करेंगे। यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम अ रूम ऑफ वन सॉन्ग, अ रूम्स ऑफ वन सॉन्ग, सब बाय वर्जीनिया वुल्फ। कहीं ना कहीं ड्रामेटिक सेटिंग क्यों ना रूम्स ऑफ वन सॉन्ग में, जहां पे वो जा रही है इन अ लेक्चर जो वुमेन फ्रिक्शन के ऊपर होगा, और जब वो लेक्चर देने जाती है शी गेट नो दैट कि उस लाइब्रेरी में एक भी वुमेन राइटिंग बुक नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल वन। शी वॉज सच वेरी सरप्राइज कि भाई एक वुमेन पे आप लेक्चर दे रहे हो एंड यू डोंट हैव एनी मेटेरियल बेस्ड ऑन वुमेन, सीरियस दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड। तो यार इसको हाईलाइट किया उसने, पूरा बताया क्या है, विंडिकेशन राइट ऑफ वुमेन। यस आई रिपीट, विंडिकेशन राइट ऑफ वुमेन बाय मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट, बहुत डोमिनेंट है, बहुत ज्यादा कन्फर्म आएगा। 13 चैप्टर्स है इसके, 1, 3, 13, और 13 के 13 चैप्टर्स आप लोगों को पता हो जी क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, करने का तरीका क्या होता है, चीजें कैसे काम करती हैं, ये सारी चीजें आपको बताऊं जी। यस, क्योंकि चीजें हेल्प करती हैं चीजों समझने में, तो ये आपको ऑन टिप पहुंचे, ये चीजें हमें आनी चाहिए, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करेंगे, ये कर लेना। एंड देन कम टू सेकेंड सेक्स, व्हाट इज सेकेंड सेक्स, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर कर दो, चीजें आपको बताऊं जी। सेकेंड सेक्स साइमन डी बेवियर, द थ्योरी ऑफ साइमन डी बेवियर, जहां उसने वुमेन को एज अ सेकेंड सेक्स दिखाया, इंफीरियर सेक्स दिखाया, सोसाइटी में जो हर काम करेगी, जो सिर्फ लाइबल होगी किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, जो सिर्फ प्लेजर देगी मेन। तो सर आप कहते हो इज द 21st सेंचुरी लिटरेचर आज भी ऐसी, समहाउ लुक एट द रूरल एरियाज, आपको लगे हाँ ये बिल्कुल ठीक है। फैमिलीज के डिज्नल वाइल्डनेस सबसे इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट नोट में भी आएगा और 20 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो डोंट टेक इट लाइटली कि भाई ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये कंफर्म ऐसे क्वेश्चन आता है। वुमन इज रीडर, वुमन इज राइटर, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्या, वुमन वुमन बॉडी पार्ट्स, एलन शोवल्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको ऑन टिप होना चाहिए, देन प्रूफ वर्जीनिया वुल्फ एज अ क्रिटिक और द फेमिनिस्ट क्रिटिक वो आपको डिफाइन करना। तो ये चीजें हमारे फेवर में काम करते, जब इनकी तैयारी करते हमारे फेवर में काम करते, हम बड़े आराम से समझ भी पाते। जंप टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज डी कंस्ट्रक्शन। सर डी कंस्ट्रक्शन बोल तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि डी कंस्ट्रक्शन है क्या, मैंने बोला था जैक्स डेरिडा ने 1967 के अंदर एक बुक लिखी थी, द बुक नेम द ग्रामेटोलॉजी। व्हाट इज ग्रामेटोलॉजी? इट इंट्रोड्यूस द मेजॉरिटी ऑफ आइडियाज एंड इन्फ्लुएंस द डीकंस्ट्रक्शन। ये डीकंस्ट्रक्शन को हाईलाइट करता था, उसके कॉन्सेप्ट को बताता था, इसने काफी चीजों को हाईलाइट किया, जहां इसने इन्फ्लुएंसेस की बात की फैटेंडी सोसर के अकॉर्डिंग, ठीक है, जहां रोनल्ड बार्थ्स का रोल भी है वो डिफाइन करता है, ये आपको MEG 04 में मिलेगा। इन्फ्लुएंस ऑफ सुजरियन आपको पूरा पता होना चाहिए, शो उसके कॉन्सेप्ट को बताया। डीकंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू डेरिडा बोलूं तो मैं एथमोलॉजी अलग लूंगा, बेसिक फिलोसफी अलग लूंगा, बेसिक फिलोसफी में अलग होगी, राइटिंग के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करूंगा, फिर उनका डिफरेंस को क्रिएट करूंगा, डिफरेंस क्या है, कैसे काम करते हैं, डीकंस्ट्रक्शन एंड डायलेक्ट्स उनके बेसिस को क्लियर करना, एंड देन फाइनली आई एम गोइंग टू कम टू द डीकंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टिज्म, इन दोनों को क्लियर करना, इन दोनों के कॉन्सेप्ट को बताना। दिस इज ऑल अबाउट डीकंस्ट्रक्शन। अगर डीकंस्ट्रक्शन को और अच्छे से समझना हो, इट इज अ वे ऑफ रीडिंग देन अ थ्योरी ऑफ लिटरेचर, वे ऑफ रीडिंग देन अ थ्योरी ऑफ लिटरेचर, क्योंकि कोई ना कॉन्ट्रिक्ट करती है, अपने आप को चीजों जोड़ती है इन अ फॉर्म दैट चीजें आपके हिसाब से सूट करनी शुरू कर देती है। देन ब्लॉक नंबर 8, द लास्ट ब्लॉक फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर, अब आप कैसे करते हो, करने का तरीका क्या है, दिस ऑल अबाउट कंटेम्प्रेरी लिटरेचर थ्योरी। सर कंटेम्प्रेरी पोस्ट मॉडर्न थ्योरीज की बात करूँगा, जब चीजों को लिया गया, कंपेयर किया गया मॉडर्न लिटरेचर को, उसके आइडियोलॉजी, द कॉन्शियसनेस, उसके कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर किया गया। स्टिल मॉडर्निज्म में क्या कहता है, मैजिक रियलिज्म के, यस आई डू एग्री दैट इज फ्रॉम 106 MEG 16, या मैजिक रियलिज्म क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, फ्यूड साइकोलॉजिकल रिलीजन क्या है, जहाँ रिलीजन आता है हमारे पास, ग्रीक माइथोलॉजी अलग आती है, साइकोलॉजिकल थ्योरी, यस आई रिपीट साइकोएनालिटिकल थ्योरी, जो पेपर में कन्फर्म आती है, इस पेपर से क्वेश्चन आता है जिसमें इड ईगो सुपर ईगो की बात करते हैं। यस वी डू टॉक अबाउट इड ईगो एंड सुपर ईगो ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल, एंड देन वी हैव द साइको सेक्सुअल स्टेज,
सर साइको सेक्सुअल चीज क्या पढ़ने की जरूरत है? ऑनेस्टी बोलूँ तो बिल्कुल जरूरत नहीं है MG05 में, लेकिन हाँ नॉलेज गैदर करने अच्छे से तो आप पढ़ोगे ओरल स्टेज, एनल स्टेज एंड द फैलिक स्टेज, जिसमें हमारे पास लेटेंसी स्टेज आ जाएगी और जेनिटल स्टेज आएगी, उसको क्लियर करना है आपने। लाइक इंडियन साइकोलॉजिस्ट उसको पूरा डिफाइन करना है, लेजिस्टिक डायनम्स क्या होती है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है उनको क्लियर करना है, एंड यू नीड टू नो कि चीजें कैसे बदलने वाली हैं। ये है तरीका कि आपने किस तरह MH05 को अप्रोच करना है। तो गाइस जस्ट फॉलो दीज बेसिक्स, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, एंड आई एम हियर, डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू गाइस, ऑल द बेस्ट।